नमस्कार दोस्तों, हम कई तरह के पौधा लगाते हैं। शो प्लांट है, फूल वाला पौधा, ऑक्सीजन पौधा। एक ऐसा पौधा बताऊंगा आपको, उसका कटिंग काट के लगाने का तरीका बताऊंगा, बहुत आसान तरीका से, जिसको विद्यापति या मोरपंखी बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम बचपन में किताब में रखा करते थे, जिससे विद्या आती थी, और बहुत ही इससे रोमांच बहुत ही अच्छा लगता था। इसका डंगाल देख के ही बहुत खुशी मिलता है, और बहुत ही शुभ पौधा है, समृद्धि वाला पौधा है। तो आप अपने घर में एक पौधा जिसे खरीद के ले गए नर्सरी से, तो नर्सरी वाले कैसे बहुत सारा तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब एक पौधा है, तो ये डंगाल है, इसमें से निकाल लीजिए ऐसे करके। अब ये तीन डंगाल है दोस्तों, ये देखिए, देखिए यहाँ से निकाल लीजिए मोर पंखी का डंगाल। ये देखिए दोस्तों, अब ये वाला पौधा है, तो आप एक एक ठो डंगाल है मोटा वाला, यहाँ से निकाल लीजिए। फिर यहाँ से ये तब तक बढ़ते रहेगा, ये भी नया ब्रांच आ जाएगा। तो एक डंगाल यहाँ से निकाल लीजिए, जहाँ पर दो डंगाल है दोस्तों, वहाँ से एक निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा, ये पूरा खाली खाली भी नहीं दिखेगा, और फिर इसमें से ये बढ़ते रहेगा, तब तो तक बगल से एक और आ जाएगा। तो आप गमले में जैसे लगाते हैं, तो सुंदर का सुंदर भी दिखेगा, और आपका पौधा भी तैयार हो गया। तो मैं कुछ पौधा, चार पांच पौधा तैयार करके बताऊंगा दोस्तों आपको। दोस्तों ये झिल्ली ले लेंगे, झिल्ली का कम से कम 2 से 3 इंची है इसका, एक उंगली के बराबर है, उतना गहराई लेंगे। या आपके पास गमला होगा, कम गहराई वाला गमला ले लेंगे, डिस्पोजल ले लेंगे, जो आपके पास सुविधा हो। ज़मीन में लगाएंगे तो थोड़ा सा, ज़मीन में लगाएंगे दोस्तों, तो ये जो डंगाल है ना, इसका डंगाल डबल कर देंगे, मतलब बड़ा साइज काटेंगे। तो जाके जहाँ पर पानी एकदम आप डालते होंगे तभी पड़ता होगा, हमेशा गीला रहने से विद्यापति नहीं लगेगा, पूरा ही खराब हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, तो जनवरी फरवरी मार्च तक भी आप लगा सकते हैं इसका कटिंग, और नीचे का आप इसको कटिंग करके खाली कर दीजिए। इससे क्या होगा, जल्दी से जड़ पकड़ने में मदद करता है, और बहुत आसान तरीके से लग जाता है दोस्तों। एक बार आप लगाइए विद्यापति अपने घर में, लगा के एक से बहुत सारा पौधा बनाइए। आजकल तो पौधे का बहुत गिफ्ट का चलन है, तो आप किसी का बर्थडे में आप गिफ्ट कर सकते हैं, अपने बर्थडे में लोगों को किसी गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसको करके आप दे सकते हैं, या अपने दोस्तों में दे सकते हैं, पड़ोसियों में दे सकते हैं, एक साथ बहुत सारा पौधा बनाइए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपको मैं बताऊँगा करके क्या दवाई से बनता है, जैसे एक साथ बहुत नर्सरी वाले बना लेते हैं बहुत तरीक़े से। देखिए दोस्तों, ये कटिंग एड करके आता है, इसको हरमस टूथ पाउडर बोलते हैं, या रूटिंग पाउडर भी बोलते हैं, इसको आप ला सकते हैं। इसको लाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, पहले ये अब सूखा है तो इसको आप क्या कीजिए, पहले भिगा दीजिए। क्या है, भिगाने के इसलिए कारण बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, भिगाने से ये जो दवाई डालूंगा ना, पूरा चिपक जाएगा। देखिए दोस्तों, पूरा चिपक जाएगा। फिर इसको बाद इसको ऐसे इसमें दबा दीजिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके दबा दीजिए, बहुत आसान तरीके से जर आ जाएगा। कहाँ रखना है, कैसे करना है, ये सब बताऊँगा आपको पूरा प्रोसेस। एक भी पौधा आपको ख़राब नहीं होगा। आप 100 पौधा लगाएंगे, 100 में 90 तो लग जाएगा आराम से। क्या है, 10 पौधा कभी कभी मर जाता है नया नया करने से। उसके बाद इसमें पानी डाल दीजिए, अभी एक दिन बीत दे के डालिएगा, उसके बाद में हफ्ते में 2 से 3 दिन पानी डालना है। इसको रखना कहाँ है बता रहा हूँ आपको, रख लीजिए। आपके पास गमला हो, घमेला हो, या छोटा सा कोई प्लेट हो, उसमें आप रख लीजिए, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे रखेंगे तो इधर उधर, क्या छोटा झील है दोस्तों, कभी इधर गिर जाएगा, कभी उधर गिर जाएगा पानी डालेंगे तो कोई भी चीज़ हो, या आप जैसे भी करके रेती में रख सकते हैं, नीचे रेती में डाल दीजिए, रेती डाल के और वहाँ पर इसको बैठा दीजिए दोस्तों। ये देखिए, रेती है, मिट्टी है, या रेती है, आप रेती ला सकते हैं, रेती में बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या ज़मीन में भी रेती रख दीजिए, मिट्टी रख दीजिए कहीं भी, और वहाँ पर रख के ऐसे बैठा दीजिए। इससे क्या होगा, पौधा हिलेगा नहीं, नहीं हिलेगा तो आपका एक भी पौधा ख़राब नहीं होगा। सबका सिस्टम समझना पड़ता है दोस्तों। और इसमें 15 दिन में एक बार कम से कम कोई भी एक साफ पाउडर कोनिका, जैसे कि मैं डालता हूँ, देखिए दोस्तों, जैसे कि देखिए दोस्तों, साफ पाउडर या कोनिका, इसको स्प्रे 1 चम्मच लेके डाल दीजिए। जो दवाई बचेगा आप बाकी पौधे में भी स्प्रे करते हैं, कोई इसी के लिए स्पेशल नहीं है, तो आप इसको लेके आप डाल सकते हैं दोस्तों। और इसको डालने से बहुत जल्दी जड़ आने में मदद करेगा। और हर 2 दिन 3 दिन में पानी डालिए, और इसको क्या कीजिए, ढक दीजिए ऐसे करके। ऐसे ढक के आप चाहे तो छाया के नीचे रख सकते हैं, धूप में नहीं रखना है, कम 1-2 घंटा का धूप पड़ता होगा, तो ऐसे करके आप रख सकते हैं। विद्यापति 1-2 घंटा का धूप सह लेगा, आराम से जड़ आ जाएगा। तो आज अभी पानी डालना होगा तो बहुत आसान है, इसको निकाल के और पानी डाल दीजिए, फिर ढक दीजिए। अगर झिल्ली से बांधते हैं तो आपको परेशानी होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे करके आप कीजिएगा, एक भी पौधा आप ख़राब नहीं होगा। तो बता रहा हूँ कितना बढ़िया इसमें जड़ा है, दिखा रहा हूँ आपको, तो ऐसे कर कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, 30 से 35 दिन हो गया है मैं आया हूँ, इसमें देख रहा हूँ कि किस टाइप का जड़ा है, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें जंगल भी निकल गया है ऐसे करके, और ये पौधा में किस टाइप का जड़ आया है दोस्तों, ये देखिए पूरा में जड़ आ गया है, नीचे तक पूरा जड़ फेंक दिया है, क्योंकि मैं बराबर इसमें
समय समय पर पानी डाल रहा था, मतलब हफ्ते में एक बार दो बार ऐसे करके, ज़्यादा गीला रहने से ख़राब हो जाता है, वो सबको भी ध्यान देना पड़ता है। और दवाई भी बराबर डाल रहा था इसमें, जो आपको बताया था मैं कोनिका जैसा पाउडर, और उसके बाद मैं छाया में रखा था, इसीलिए देखिए दोस्तों पूरा में जर आ गया। अब खोल के भी दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके आप लगा सकते हैं दोस्तों, एकदम एक भी पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। देखिए पूरा अच्छी तरह से पूरा में जर आ गया है, बाकी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप जानते ही हैं। देखिए पूरा में जर आ गया है दोस्तों, ऐसे करेंगे आप एक भी पौधा ख़राब नहीं होगा। अब इसको लगाना कैसे, जैसे इसी गमले में आप लगा सकते हो शुरू में दोस्तों, जब इतना बड़ा पौधा हो तो आप छोटे गमले में लगाइए शुरू में। आप जब इसे ये मिट्टी में झरा, इसको मिट्टी नहीं झराया हूँ तो इसमें आप, मैं लगाऊंगा तो थोड़ा सा इसमें ग्रूमर डाल के लगा सकता हूँ इसमें गमले में, और इसको लगाऊंगा तो खाली अभी मिट्टी गोबर खाद भूसा दे के लगाऊंगा या रेती दे के लगाऊंगा, क्योंकि अभी इसमें खाद डालूंगा तो ये पौधा मर जाएगा। इसमें मिला रहा हूँ दोस्तों, कभी भी ध्यान रहे जिस पौधे को मिट्टी झरा दिए हैं उसमें कभी भी DAP सरसों का ग्रूमर या कोई भी रासायनिक खाद नहीं डालना है। गोबर खाद भूसा या रेती ये नहीं मिले तो खाली मिट्टी में ही लगा दीजिए। ज़्यादा दिन रखेंगे, दो चार दिन रखेंगे तो पौधा ख़राब हो जाता है, हवा लग जाता है जड़ में, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। इसको अब से कम एक हफ्ता दस दिन बाद, जब ये खूब बढ़िया स्ट्रांग हो जाएगा, नया जड़ आ जाएगा, नया रूटीन आ जाएगा इसमें से, नया थोड़ा बनाच आ जाएगा, तब आपको इसको फिर इसमें कोई भी DAP वगैरह डाल सकते हैं। और इसमें अभी क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे इसको, अभी जैसे जड़ झरा दिया हूँ आपको दिखाने के लिए, तो हम क्या करेंगे इसको अब हफ्ते दिन छाया में रखूँगा, धूप में रखूँगा भी तो डर है पौधा ख़राब होने का। और इसमें मैं एक दिन दो दिन बीच देकर पानी डालते रहूँगा, ऐसे करके ही दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से जरा जाएगा। और ऐसे ही नया नया वीडियो लेकर आता हूँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते एक नया वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।